शत्रु जी, कार्यक्रम के आखिर में हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, लेकिन उस रैपिड फायर के पहले एक दो सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, और ये फिल्मों से जुड़े हुए सवाल है। हाल ही में एक फिल्म आई जो सुपर डुपर हिट रही, और उसमें एक सीन है जिसमें हीरो जो है वो ऐसे गर्दन पे हाथ चलाता है और बोलता है फ्लावर समझे हो क्या। जब वो सीन देखा तो मुझे वो छेनू याद आ गया। आपने तो 40 साल पहले वो सीन किया था। किया ना, मेरे अपने में क्या था वो पूरा? नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं। पुष्पा का आप जिक्र कर रहे हैं, पुष्पा अच्छी फिल्म है, मैंने सुना बहुत तारीफ हुई है, और मैं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे वो 2-3 घंटे में चाहता हूँ बगैर डिस्टर्बेंस के देखूँ। और वो कोशिश उन्होंने भी की है कि हमसे बात करने की, और मैंने भी कहा कि मैं फिल्म देख लूँगा तो मैं, मेरी पत्नी पूनम जी भी ये देखना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने कहा देखने के बाद ही उसको फिल्म करूँगा। तो, लेकिन कई लोगों ने कहा है तो छेनू तो याद होगा ना आपको, फ्लावर नहीं याद है तो क्या? मुझे क्या, दुनिया को याद है, अक्कू जी बैठे, अक्कू जी को तो बहुत याद है, आप तमाम लोगों को याद तो एक 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 बार हो जाए ना, क्या क्या था वो डायलॉग? क्या बहुत मशहूर डायलॉग था, आए तो कह देना छेनू आया था, गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। अब ये था, बहुत पॉपुलर हुआ था। ये तो सिर्फ बोल के सुनाया, ये जब ये ऐसे हाथ करते हैं ना महाराज, खामोश। ये खामोश किस फिल्म का था और कैसे आया ये खामोश? कहाँ से पहली बार हुआ ये चिपक गया आपके साथ? हाँ, आज तक मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब कई फिल्मों में मैंने कही है, अब किस फिल्म का कौन सी अदा पसंद आ गई। वो कहते हैं ना अदाओं के बारे में कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं, बात नहीं। खामोश तो कितनी बार कहा हमने, अब कहीं कोई पकड़ लिया और लोगों ने, अब आ गया। अब मैं 36-37 बार मुगले आजम देख चुका हूँ, इतना अच्छा। मुझे बहुत क्लासिक फिल्म इतनी पसंद, हाँ, और वो देख चुका हूँ। अभी इतने दिन बाद मैंने नोटिस किया उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहीं कहा है खामोश, अरे कर रहे अब उनका उनकी पकड़ में नहीं है, हमारी वाली पकड़ में आ गई, मेरा कसूर क्या है बताइए। खामोश तो एक एक्सप्रेशन है, बट इतना है अंदाजे बयां वाली बात कि खामोश अगर ऐसे कोई आपको हमको बोल दे तो कितना बुरा लगेगा, इसका शट अप क्रूड है, लेकिन इस खामोश का अंदाजे अब हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, बच्चे बाप को बोलते हैं, बाप बच्चों को बोलता है, इतना प्यारा सा एक्सप्रेशन हो गया खामोश। लड़ाई झगड़ा होता, अच्छा वो खामोश ना, खामोश खामोश होता, अब है पसंद आ गया। लेकिन मुझे अगर पता चल जाए किस फिल्म से पिकअप किया बता दीजिएगा, मैं ABP का बहुत आभारी रहूँगा। सिटी जानिए, कोरिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।